आप अपना परिचय देते बताएं कि इस वक्त युवा समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप जी, तालीम शिक्षा के शिक्षित हैं आप, इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है आपका जौहर यूनिवर्सिटी जी, जौहर यूनिवर्सिटी मेरा, उसके बनाने वाले जो हैं आपके आजम खान जी, आजम खान जी हैं। तो जो कुछ किया जा रहा है आपके क्या विचार आते हैं? देखिए, मेरा नाम प्रीतम पासवान है, मैं सपा का कैंडिडेट ममदा दूधी से जिला पंचायत हूँ। बाकी आजम खान जी के लिए एक सपा के बहुत दिग्गज नेता हैं, एक हम लोग के गढ़ हैं, गाइडलाइन है बहुत बढ़िया है। देखिए, उनको यूनिवर्सिटी के तोड़ने के कारण बाबा को कहीं ना कहीं जलन है। बाबा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इस टाइम करता हूँ, करता रहूँगा। तो उनकी यूनिवर्सिटी को गिराने के काम कर रहे हैं, वो तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं उनको जलन है। अभी कोर्ट तक चाहते तो कोर्ट में पेश होकर उनको जलील कर सकते थे, सपा को बदनाम कर सकते थे, लेकिन वो मनमानी है। खैर, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं तो तोड़ने से बजाय वो बाबा जी उस पर उसका नाम ही चेंज कर देते, कुछ उसको अपने अंडर में ले लेते हैं, उसको सखा को चलाते, यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, क्योंकि उसमें पढ़ने के लिए पाकिस्तान से कोई आएगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आएगा कोई नहीं। पढ़ेंगे तो इंडिया के लोग, यूपी के लोग, कहीं के लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो हमारे नागरिक पढ़ेंगे ना। तो बाबा जी चाहते, उनके मन में अच्छा विचार होता, उसका नाम चेंज करके अच्छे यूनिवर्सिटी को बहुत बढ़िया से पढ़ाते, क्योंकि उनके मन में तो जलन भावना है कि आजम खां ऐसे हैं वैसे हैं। कोर्ट डिसाइड कर ही नहीं रही है, आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं? हमको तो समझ में ये नहीं आ रहा है, कोर्ट आप चलाते, कोर्ट आपको चलाता है, कोर्ट को आप कहिए। कोर्ट यदि सजा देती है तो आजम खां जी तुरंत सजा में आ जाएंगे, वो कोई भी लिखित तौर पे आता है तो आजम खां जी को अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बयान ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं है, बस ये है कि गिराया जाए। अरे, उनको पता होना चाहिए बनाने के लिए क्या किया जाता है, गिराने में तो छः मिनटों में गिरा देते हैं वो। उनको पता करिए कि पहले बनता कैसे है। अभी तो आप तक कोई यूनिवर्सिटी बनवाए नहीं, कोई हॉस्पिटल बनवाए नहीं, ना जाने कितने हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी तोड़वा दिए आप। पहले आप पता करिए कि बनवाया कैसे जाता है, क्या बजट लगता है, तब आप तोड़वाते तो अच्छा लगता, ताकि आपको थोड़ा सा भी थोड़ा सा शर्म होता, थोड़ा सा दिल में ये होता कि नहीं बनवाया कैसे जाता, कैसे बनवाएं वो, जो लड़के उसमें पढ़ रहे थे उनपे क्या गुजरा होगा। आप हमको बताइए, जो लड़के उसमें पढ़े होंगे क्या उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? वो तो भी तो भटकेंगे, आधे रास्ते में कोई ट्रेन ले जाके रोक देती है तो वो ट्रेन का इंतजार करेंगे, अब कब ट्रेन आएगी कब नहीं आएगी। तो इस तरह ये बाबा जी को सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी गलतियाँ हैं, एक्सेप्ट ना करें वो अलग बात है, कि हम लोग तो भाई कह सकते हैं उनसे, लिखित तौर पे तो दे नहीं सकते। हमारा निवेदन है, यही रिक्वेस्ट उनसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ना, ऐसा ऐसा कठोर पाप ना करें वो, कहीं ना कहीं लगेगा वो। 22 में आ रहा है चुनाव, बहुत बड़ा तमाशा लगेगा 22 में, चुनाव आते ही आपको गलती का एहसास मालूम चलेगा कि हमने गलती क्या किया है। घमंड सबको होता है, रावण को भी तो घमंड था, टूट गया, तो इस चीज़ का घमंड ना करें। अरे, सपा को बदनामी करना है तो खुल के बदनाम करिए ना, पीठ पीछे क्यों कर रहे हैं? लेकिन सपा के डरने वाले नहीं है, सबको लग रहा है कि 22 में चुनाव निकल रहा है हम लोगों का, सबको 22 में लग रहा है कि चुनाव निकल रहा है हम लोगों का, लेकिन इस चीज़ का उनको डर भय हो गया है, डर लगने लगा है। इसकी वजह अंदरेली कुछ ना कुछ घटना कर रहे हैं, लिखित दे रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से दे रहे हैं, ऐसा कर दे रहे हैं कि नहीं सपा किसी तरह बदनाम हो जाए। अरे, कैसे बदनाम हो जाएगी? जब भीड़ लगती है तो हम आपको बता दें कि भीड़ जब लग जाती है, साइकिल रैली था, भीड़ लग गई तो लोग को पैर खड़ा होने का मौका नहीं था, साइकिल ले जाने का मौका था। मैं लखनऊ में गया था, वहाँ खड़ा होने का मौका नहीं मिला था, कहीं जगह नहीं मिला था कि हम लोग साइकिल चलाएं कहीं, इतने लोग। मैं चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव में देखा हूँ मैं, बहुत पब्लिसिटी हमको जानती तक नहीं थी, लोग हमको देखते थे कि कहाँ गया पासवान, प्रीतम पासवान, बस वो जानते थे नहीं सपा का कैंडिडेट है ये। मैं घूमता था गाँव में, लोग कहते बेटा आपको नहीं, मैं सपा के नाम पर वोट दे रहा हूँ, तो बहुत खुशी होती थी। और देखिएगा, यही सब खुशी 22 में 100% निकलेगी, 99% जी। थैंक यू।